जैसे आप अपने पेज पे आएंगे तो आप देख सकते हैं, आप दे रहा है यहाँ पे अपलोड लेटेस्ट कलर फोटो ग्राफ फ्रंट पेज सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट्स। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पे फोटो का यहाँ पे साइज़ दिया हुआ है 5 KB से लेके और 50 KB के बीच में होना चाहिए, और जो आपका सिग्नेचर है उसका साइज़ यहाँ पे दिया हुआ देख सकते हैं, यहाँ पे 5 KB से लेके 40 KB के बीच में आपका होना चाहिए। और जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट का साइज़ यहाँ पे 5 KB से लेके 300 KB के बीच में होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट का जो आपका रहेगा ये JPG में नहीं रहेगा, आपका PDF में आपका ये फाइल रहेगा, और जो फोटो सिग्नेचर रहेगा वो आपका JPG में रहेगा। बाकी जितना भी आपका इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो आपको पूरा PDF फाइल में क्या करना है, आपको स्कैन करके रख लेना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात आ रही है, यहाँ पे बहुत लोग को देखने में आ रहा है कि जो यहाँ पे साइज़ है आपका ये अपलोड नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे जो साइज़ है इस साइज़ में आपका जो फ़ोटो और सिग्नेचर है अपलोड करना है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि आप उसको कैसे अपना फ़ोटो और सिग्नेचर को कैसे अपने साइज़ में उसको बनाएंगे। तो चलिए उसको हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं कि आप अपने फ़ोटो और सिग्नेचर को कैसे उसको उस साइज़ में बनाएंगे। कोई एक सिग्नेचर यहाँ पे हम उठा लेते हैं, कोई एक सिग्नेचर यहाँ पे हम ले लेते हैं, सिग्नेचर हमने ले लिया है। उसके बाद क्या करना है आपको, इमेज साइज़ में जाना है और यहाँ पे पिक्सल वाले ऑप्शन पर क्या करना है आपको क्लिक कर लेना है, और जो यहाँ पे बीच में एक ऑप्शन दिया हुआ है इस पर क्या करना है एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे अपना साइज़ देख लेना है किस साइज़ में आपको बनानी है फ़ोटो और जो सिग्नेचर है। तो यहाँ पे जो सिग्नेचर देख सकते हैं, यहाँ पे 170 विड्थ जो है 170 है पिक्सल एंड हाइट है 60 पिक्सल। तो चलिए यहाँ पे जो उसका साइज़ है यहाँ पे हम उसको कर लेते हैं 170 60। उसके बाद क्या करना है यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे तो देख सकते हैं हमारा उस साइज़ में यहाँ पे जो फोटो जो सिग्नेचर है वो हमारा यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे JPG में जाके उसके बाद अपने कहीं भी जहाँ भी आपको सेव करना हो आप जाके यहाँ पे सेव कर लेंगे, तो इस तरह से सेव हो जाएगा। और आपको फ़ोटो यदि आपको बनानी है तो फ़ोटो का भी आपको हम साइज़ यहाँ पे बना के दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक नॉर्मल सी फ़ोटो एक लिया है। उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो का जो साइज़ है यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे फ़ोटो का जो साइज़ है विड्थ है 132 और हाइट है, विड्थ है 132 पिक्सल एंड हाइट है 170 पिक्सल। तो चलिए यहाँ पे हम उसका साइज़ उसमें आप बना लेते हैं, जो है यहाँ पे सेम प्रोसीजर वही फॉलो करेंगे जो पहले सिग्नेचर में किए थे। तो यहाँ पर क्या करना है पिक्सल वाले ऑप्शन पर क्या करना है, आप जैसे पेंट ओपन ओपन करेंगे आप एप्लीकेशन तो यहाँ पे आप परसेंटेज रहेगा, तो आपको यहाँ पे पिक्सल कर लेना है। और यहाँ पे जो नीचे आपको बताए थे यहाँ बीच में जो एक ऑप्शन दिया हुआ है इस पर आपको क्या करना है, इस पर एक बार ओके कर लेना है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको 132 और क्या करना है यहाँ पे आपको 170 लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है आपको ओके कर देना है। तो देख सकते हैं जो हमारे यहाँ पे फोटो का जो साइज़ है बन चुका है। उसके बाद क्या करना है सेव कर लेना है। तो इस तरह से आप अपना जो फ़ोटो का साइज़ है आप अपना बना सकते हैं, देख सकते हैं इस तरह से हमारा जो फ़ोटो का साइज़ है बन चुका है। और इसको हम स्कैन करके भी आपको दिखा देते हैं लाइव कि जो फ़ोटो का हमने बनाया है वो कैसे उसको अपलोड करेंगे। हमने जो फ़ोटो बनाया था यही है फ़ोटो, देख सकते हैं इसको हम आपको अपलोड करके दिखाते हैं। देख सकते हैं जो हमारा फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो चुका है, जो सिग्नेचर हमने बनाया है उसका भी यहाँ पे फ़ोटो आपको अपलोड करके यहाँ पे दिखा देते हैं। देख सकते हैं जो फ़ोटो और सिग्नेचर है इस तरह से आप अपना साइज़ बना सकते हैं।